टेली सेवाओं का भविष्य क्या है और ये सेवाएं वर्तमान में भविष्य में कितनी लाभकारी साबित होगी। इन सेवाओं को 2017 में लागू किया गया था। वह न्याय विभाग ने नालसा व कॉमन सर्विस सेंटर से मिलकर विधिक जानकारी टेली सेवाओं के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। टेली रोड सेवाओं के अंतर्गत निम्न वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क टेली सेवा दी जाती है। महिलाओं को, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, SC ST वर्ग जिनके पास जाति प्रमाण पत्र हो, मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों को, मानसिक या शारीरिक रूप से निरोग्य व्यक्तियों को और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को भी ये सेवाएं निःशुल्क मिल सकती है। यह सेवाएं चुनिंदा 11 राज्यों में उपलब्ध करवाई गई है जहां 1800 कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। टेली लॉ योजनाएं 28,060 कॉमन सर्विस सेंटर 28 राज्यों में खोली गई तथा इन सेवाओं का सही रूप से नियोजन करने के लिए वॉलंटियर की सुविधा भी प्राप्त करवाई गई। इन सेवाओं को पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध करवाया गया। इन सेवाओं के माध्यम से अब तक 12 लाख लोगों को सेवाएं प्राप्त करवाई गई है। वह हमारे कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इन सेवाओं का और विस्तार करने के लिए 75,000 ग्राम पंचायतों जो कि सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की योजना चलाई। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए